दोस्तों कोई भी इंसान हो, अगर उसे उसके कंट्री के लिए, खुद के कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि उसकी हेल्प उसके कंट्री के लिए कुछ कभी ना कभी होनी चाहिए। अगर मैं स्पेशली बात करूं इंडिया की, जहाँ पे 70% से भी ज्यादा यूथ रहते हैं, तो वहां पे इसके यूथ, इंडिया के यूथ का हर वक्त ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आर्मी में ज्वाइन होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, पुलिस में ज्वाइन होना चाहिए, रॉ में ज्वाइन होना चाहिए, आईबी में ज्वाइन होना चाहिए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एटीएस में भी ज्वाइन होना चाहिए। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए दोस्तों जो एटीएस में ज्वाइन होना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 दिन पहले इसकी एक कमेंट आई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एटीएस में ज्वाइन कैसा होना, कैसे हो सकते हैं। तो इस मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मैंने सोचा एटीएस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए इंडियन होने के नाते अगर आपको एटीएस ज्वाइन भी नहीं करने, लेकिन सिर्फ आप एटीएस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इंडिया के लिए थोड़ा सा प्यार रखते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ये टोटली मैंने इंटरनेट से लिया, जहाँ पे इंटरनेट में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए एटीएस कौन सी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो मुझे भी नहीं पता और हर किसी को नहीं पता होते, किसी को भी पता नहीं होते, क्योंकि बहुत इंटरनल मैटर होता है। लेकिन एटीएस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एज इंडियन होने के नाते आपको आपके कंट्री में एक्चुअल में क्या चलता है ये पता तो होना चाहिए। तो आज का वीडियो पूरा देखना दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात, व्हाट इज एटीएस? दोस्तों एटीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी जो संस्था टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, यानी कि टेररिज्म जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन आज पिछले 10-12 साल के अगर मैं बात करूं पिछले 10-12 साल में, तो यहां पे इंडिया में ज्यादा कुछ मतलब टेररिज्म ने कुछ बड़ा कुछ नहीं किया है, लेकिन ये इसका सब कुछ मतलब क्रेडिट जाता है वो टोटली पुलिस और यहाँ पे इंडियन आर्मी को जाता है। और यहाँ पे एटीएस है दोस्तों, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। यहाँ पे टेररिज्म को मिटाने के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए, या फिर टेररिज्म के इंडिया को कोई खतरा ना हो, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इंडिया में, उसका नाम है दोस्तों एटीएस। दोस्तों एटीएस है, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1990 में, यानी 1990 में हुई थी, जहां पे वो जो संस्था है वो स्पेशली इन्फ्लुएंस हुई थी अमेरिका की संस्था है, जिसका नाम है स्वैट। आपने पिक्चर देखी होगी, स्वैट नाम की एक फिल्म भी है, उसके बेसिस पे उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके वो 1990 में एटीएस की स्थापना की गई थी। लेकिन 1993 से पहले एटीएस की जो बोल सकते हैं एटीएस जो है वो मतलब कोई एक्टिव नहीं थी, यानी कि एटीएस की जो स्थापना हुई थी 1990 में, उसके बाद 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, मुंबई ब्लास्ट के बाद एटीएस के मतलब एटीएस तब इतना एक्टिव नहीं थी इंडिया में, और उसकी वजह से हुआ यह कि 1993 के बाद मुंबई में जो टेररिज्म फैला था वो बहुत बहुत ज्यादा फैला था। तो उसके बाद एटीएस जो है वो एक्टिव फिर से हो गए। एज ए रिपोर्ट हम देखें तो 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एटीएस की स्थापना फिर से की थी, और 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद एटीएस फिर से काम में आई थी। और वहां पे एटीएस ने उसके बाद ये किया था दोस्तों कि वहां पे अंडरग्राउंड लोगों को भी ट्रेनिंग दिया था मुंबई के कुछ लोगों के लिए, उससे ये हेल्प होने वाली थी अगर फ्यूचर में कोई मुंबई पे टेररिस्ट अटैक करता है तो हो सकता है उससे बचने के लिए एटीएस ने ये सब मतलब एक्शंस लिए थे। और दोस्तों एटीएस ने 26/11 यानी 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई पे, वहां पे उनकी बहुत बहुत बड़ी बोल सकते हैं बड़ा रोल रहा था एटीएस का, और वहां पे एटीएस ने बहुत बड़ा काम किया था। एटीएस एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो इंडिया में टेररिज्म के लिए, स्पेशली टेररिज्म के लिए बहुत बहुत बड़े काम करती है, यानी टेररिज्म को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए एटीएस का बहुत 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 ज्यादा रोल रहता है। दोस्तों आप अगर मैं बात करूं एटीएस की अगली बात की, तो दोस्तों एटीएस जो है वो बहुत मतलब स्टेट वाइज बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी महाराष्ट्र में एटीएस सेपरेट होता है, बिहार में से एटीएस सेपरेट होता है, उत्तर प्रदेश में सेपरेट होता है, राजस्थान में सेपरेट होता है, तमिलनाडु में सेपरेट होता है। लेकिन एटीएस के जो पूरे लगभग 6 से 7 स्टेट में एटीएस आज है, और यहाँ पे एटीएस से बहुत बहुत हमें थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि एटीएस ऐसी एक संस्था है जिसकी वजह से आज हम इस कंट्री में बहुत बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो संस्था है ये ऐसे आपको दिखेगी नहीं, आपको लगेगा नहीं ये एटीएस का मेंबर है या फिर एटीएस में
काम करता है, ETS जो काम करता है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करता है। और ATS की जो मेन रोल या फिर उसका मेन मोटो है, वो मोटो यही है कि मॉडर्न टेररिज्म को खत्म करना है। यानी दोस्तों देखिए, आप अगर मैं बात करूं पिछले 20 साल की, तब टेररिज्म जो था वो बहुत अलग था, और अगर मैं आज की बात करूं तो आज का टेररिज्म बहुत बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजी हम सबके हाथों में आ गई है, किसी के कंप्यूटर हैक करना, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक करना, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक करके उसे पैसे मांगना या फिर हैक करके उसे पैसे मांगना, ये सब जो मॉडर्न टेररिज्म के जो बोल सकते हैं मॉडर्न टेररिज्म के वेज है, और इसी के लिए ATS है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलता है। तो हम बोल नहीं सकते ATS का मेंबर है, ATS का स्पेशल यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ATS है वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स आपको कहीं दिखेंगे नहीं। और जो मुझे कमेंट आई थी ना दोस्तों ATS हाउ टू ज्वाइन ATS, तो वो कमेंट बहुत बेकार थी, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती जो आपको बोले कि आप ATS ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ATS ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर कोई आम इंसान ऐसे ही ATS ज्वाइन कर ले, तो क्योंकि टेररिज्म के लोग भी क्या करेंगे, ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे ATS में, तो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसके जो सब कुछ कनेक्शन होते हैं बहुत इंटरनल होते हैं, यानी कुछ लोग आर्मी से आते हैं, कुछ लोग पुलिस से आते हैं, कुछ लोग कमांडोज होते हैं, वो सब लोग जो ATS के लिए काबिल है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली मतलब मैनेज होते हैं वो सब लोग। और ATS का स्क्वाड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, मतलब वो ऐसे कभी भी आपको बाहर नहीं निकलेगा, मतलब वो लोग जो कभी कभी पुलिस को वर्दी में आपको दिखेंगे, हो सकता है वो ATS में भी हो सकता है जो आपको आर्मी के यूनिफॉर्म में दिखे वो ATS का मेंबर भी हो। तो ATS में आपको ऐसे स्पेशल लोग आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे ATS का मेंबर है और ये ऐसा ATS का पर्सन है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं दिखेगा। और अगर मैं बात करूं ATS की और एक टेक्निक की, तो दोस्तों ATS है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ATS को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मतलब एक काम करना पड़ेगा, आपको इंडिया के कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होके वहां पे आपको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, आपके दिल में कुछ इंडिया के लिए करने का जज्बा होना चाहिए, तो जरूर आप कहीं ना कहीं ATS तो नहीं IB रॉक कुछ ना कुछ कभी ना कभी इंडिया के लिए करने का आपको मौका अपनी जिंदगी में जरूर आएगा। तो हो सकता है आज का वीडियो आपके लिए पसंद आ गया, अगर आपके वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो जो यंग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो मैं हर रोज इस चैनल पे लाने का ट्राई करता हूं। तो हो सकता है आपको वीडियो आज का पसंद आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।